हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में किसान ने निकाली ट्रैक्टर रैली, रालोपा के आह्वान पर कृषि कानूनों का किया विरोध। कृषि विधायकों के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में किसान यूपी दिल्ली गाजियापुर बॉर्डर पर डेरा डालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए ट्रैक्टर मार्च की आग अब इंडो पाक बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। दरअसल भारत पाक के सरहदी जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को किसानों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर कृषि विधायकों को वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रदर्शन स्तरीय आह्वान पर बाड़मेर में रालोपा उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल, प्रदेश महामंत्री उमेदाराम बेनीवाल के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। रालोपा प्रदेश उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल और प्रदेश महामंत्री उमेदाराम बेनीवाल ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी एयर बाड़मेर के किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई है और हमारी मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि विधेयकों को तत्काल प्रभाव से वापस ले, अन्यथा देश के समस्त प्रदेशों के किसान देश की राजधानी की ओर कूच कर किसान आंदोलन को अब तक सबसे बड़ा आंदोलन बनाएंगे और कृषि विधायकों को किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। बाड़मेर जोधपुर हाईवे स्थित हरलाल जाट छात्रावास से निकाली ट्रैक्टर रैली सिंदरी चौराहा, नेहरू नगर ओवरब्रिज, अहिंसा सर्कल, स्वामी विवेकानंद सर्कल से ट्रैक्टर और फिर मल्लीनाथ सर्कल पहुंची। यहां इस ट्रैक्टर रैली का समापन हुआ। किसानों को इस ट्रैक्टर रैली के दौरान DYSP महावीर प्रसाद, DYSP पुष्पेंद्र आढ़ा, ग्रामीण थाना अधिकारी पर्वत सिंह, शहर कोतवाली प्रेम प्रकाश समेत पुलिस का भारी पुलिस बल तैनात नजर आया और पुलिस ट्रैक्टर रैली की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखती नजर आई। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।